चंद रोज की मेहमान हुकूमत को फीते काटने की जल्दी। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सहूलियात नापैद, मुसाफिर 10-10 घंटे बाद भी सामान के हुसूल में नाकाम। लोगों के बैठने के लिए जगह है ना पीने का पानी, सामान ले जाने वाली ट्रॉलीज भी गायब। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नास शाह को भी 2 घंटे से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सामान का इंतजार। लंबी मुसाफत के बाद घंटों इंतजार बाई से शर्मिंदगी है, बरतानवी रुकने पार्लियामेंट का ट्वीट। कोयटा में पीपल्स पार्टी का सियासी पावर शो, पिंडाल सज गया, जियाले भी पुरजोश। शहर भर में पार्टी परचमों की बहार, बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। कौमी वतन पार्टी के एमपीए अब्दुल करीम तहरीक इंसाफ में शामिल, पेशावर से पीपल्स पार्टी के साबिक उम्मीदवार असद गुलजार खान भी इमरान खान की टीम का हिस्सा। एसएसपी तशद्दुद केस में कप्तान बरीन, सदात दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। इमरान खान कहते हैं सियासी मुखालफत पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया, नवाज शरीफ को माहिर नफ्सियात से इलाज कराने का मशवरा। ये कैसा निज़ाम है जिसे सजा मिलनी चाहिए वो बरी हो जाता है, इमरान की बरियत पर नवाज शरीफ का तबसरा। कानून के मुहाफिजों पर बदतरीन तशद्दुद करो, डंडे मारो, हड्डियां तोड़ो और बगैर मुकदमा चले बरी हो जाओ, वाह इमरान खान की बरियत पर मरियम नवाज का ट्वीट। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। सियासतदानों में करोड़ों रुपए की तकसीम से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत पीर को होगी, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन को अराजी की मुंतकली के खिलाफ कानून करार दे दिया, कराची में बहरिया टाउन को मजीद प्लॉट फरोख्त करने से रोक दिया। ईओबीआई स्कैंडल की समाअत, सुप्रीम कोर्ट ने खिलाफे कानून फीसें लेने पर जस्टिस अथर मिनुल्ला और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी को तलब कर लिया। एतजाज सैसन और गोहर अली खान को भी नोटिस, चीफ जस्टिस कहते हैं मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी। बलूचिस्तान में फिर दहशतगर्दी, खारान में नामालूम अफराद की फायरिंग से 6 मजदूर जान बहक, मरने वालों का ताल्लुक पंजाब से है, मजदूर मोबाइल टावर कंपनी में काम करते थे। कराची में शदीद गर्मी, हवाएं भी बंद, पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। रेंजर्स ने शहरियों के लिए हीट स्ट्रोक सेंटर बना दिए, ठंडे पानी और मशरूबात का इंतजाम। और न्यूजीलैंड में फ्लाइंग टैक्सी उड़ाने को है तैयार, बिजली से चलने वाली कोरा नामी टैक्सी हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरती है, रफ्तार 93 मील फी घंटा है।